है जिसने इश्क रसूल को अपने दिलों की धड़कन बना लिया हो, ये लहजा उसी का हो सका है। जिसने अजान बिलाली के परिंदों को बोलते हुए देखा हो, ये फिक्र उसी की हो सकती है। जिसने मुजाहिद मिल्लत, खालिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, तहसीन मिल्लत के दरबार में हाजिरी दी हो, ये अंदाज उसी का हो सकता है। जिसने हदायत बख्शिश की रोशनी में अपनी शायरी की जुल्फे सवारी हो, सबके सब दुरुस्त क्योंकि जैनुल आबिदीन मौत यही वजह है कि जैनुल आबिदीन नबी की नाप पढ़कर ऐसे ही उजाला दे रहे जैसा कि सूरज, ऐसे ही चमक रहे जैसा कि सितारे, ऐसे ही महक रहे जैसा कि गुलाब के फूल। अगर मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा, बात करते हैं तो कलिया सी खिला देते हैं। अबे बात करते हैं तो कलिया सी खिला देते हैं, जैनुल आबिदीन नाप पढ़ते हैं तो बिजली सी गिरा देते हैं। जिनसे मेरी मुराद शाहकारे तरन्नुम, पैकरे तरन्नुम, शारे मुल्के हिंदुस्तान, बुलबुले बाके मदीना, तूतिये चमनिस्ताने सरकार, ताजु शरिया गुलाम में हजरते खैरुल बशर, आशिके बाबा फरीद गंजे शकर, हजरते जैनुल आबिदीन कानपुरी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल, वेलकम, नारे तकबीर की झनकार से कर लें, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, पूरा मजमा इन चार मिसरों के साथ, अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए, अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए, पुश्ते नबी पे मोहरे नबूवत को छूप कर, क्या लुत्फ मिल रहा था उकासा से पूछिए, क्या लुत्फ मिल रहा था उकासा से पूछिए, दोनों हाथों को बारबी का झंडा बना ले, उतना बुलंद आवाज से बोल दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे, हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे, मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत, इसलिए करता हूँ तौबा में गुनाहों से बहुत, रूह कफन से निकल जाए भरोसा क्या है। प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। क्यों न काटे क्यों न काटे मेरे सरकार के चक्कर बादल। हसन भाई वो एक अलग बात है कि दाद मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने मेयार के खिलाफ कभी नहीं जाता। ये बहुत बड़ा जिगरा लेके पढ़ता हूँ कि अक्सर लोग जो है बहुत तेज तर्रार धुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी मैं अपने मेयार के खिलाफ नहीं जाता। हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें। क्यों ना काटे मेरे, क्यों ना काटे, क्यों ना काटे मेरे सरकार के चक्कर बादल। क्यों ना काटे क्यों न काटे मेरे सरकार के चक्कर बादल। एक जमाने से है शैदाए पयंबर बादल। एक जमाने से है शैदाए पयंबर बादल। एक जमाने से बस इसी आंसू में, बस इसी आंसू में बैठा हूँ नहाने के लिए। तवज्जो के तालिब हूँ, बहुत सख्त जमीन है,
अगर आप इस चीज को समझ रहे होंगे तो बहुत सख्त जमीन है। बादल और नात हाजिर कर रहा हूं, मुलायदा करें। बादल और नबी की नात मुलायदा करें। बस इसी आंसू में बस इसी आंसू में बैठा हूं नहाने के लिए शहर तैबा से अभी आएगा होकर बादल शहर तैबा से। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शहर तैबा से। और हजरात, अब वो शेर पेश कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है अगर इस शेर पे ना बोले तो पूरी रात किसी शेर पे ना बोल पाएंगे। अपने आका से अगर मोहब्बत है तो शेर पढ़ रहा हूं कि धूप धूप सरकार पे, धूप सरकार पे, धूप सरकार पे आए भी तो कैसे आए, कि धूप कैसे आए, नीचे सरकार चले, नीचे सरकार चले, साथ में ऊपर बादल, नीचे सरकार चले, साथ में ऊपर बादल, नीचे सरकार। और एक बात बता दूं, रात का जो शुरू का हिस्सा होता है उसमें तो सब अपनी बेदारी का इस्तेमाल करते हैं, बेदारी का सबूत देते हैं। इस बूढ़ी रात को जवान बनाना ये बहुत बड़ा हुनर होता है, बात समझ रहे हैं। अब बेदारी की जरूरत है, अब बेदार हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 खड़े हैं और 50 को मारना है तो 100 आराम से मार लेंगे, लेकिन जब 50 बचे और 100 को मारना, ये बड़ी बात होती है। जरा मोहब्बत से बोलो। आसिफ भाई, एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा कैमरा इनकी तरफ घुमा देना, कितने लोगों ने दाद दी मुझे ये पता चल जाएगा। शेर पढ़ रहा हूँ, कैसे चलना है, कैसे चलना है फलक पर, ये है मर्जी उसकी। बादल को कैसे चलना है फलक पर, ये उसकी मर्जी की बात है, लेकिन हाजिर कर रहा हूं, कैसे चलना है फलक पर, ये है मर्जी उसकी। उनके दरबार में, उनके दरबार में, उनके दरबार में चलता है संभल कर बादल, उनके दरबार में चलता है। सालत जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरजमीने रूपुर बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिक्रुल्ला भाई, एक शेर पढ़ रहा हूँ। देखिए, यहाँ तो हम लोग आपसे दाद ले लेते हैं, कभी तन्हाई में ऐसा होता है, बरसात के अय्याम होते हैं तो उनमें, उसमें जब नाते पाक का जो है कोई लफ्ज जबान से निकलता है तो दाद कहाँ से आती है, पूरा इस्तेमाल हुआ। हाजिर कर रहा हूँ, मुलायजा कर, हाजिर कर रहा हूँ, मुलायजा कर। जब भी तौसीफे पयंबर में जबां खुल है, जब भी तौसीफे के, जब भी तौसीफे
या रसूल अल्लाह, जब भी तौसीफे पयंबर में जबां खुलती है तो दाद देता है, दाद देता है मुझे खूब गरज कर बादल, दाद देता है मुझे खूब गरज कर बादल, दाद देता है रब ताला की कसम, हुक्म जो दे देते हुसैन, रब रब ताला की कसम, हुक्म जो दे देते हुसैन, आता खेमे में, आता खेमे में लिए जमजम कौसर बादल, आता खेमे में। एक बात बताइए, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है पूरी तरीके से? कितने लोगों को आ रही समझ में, जरा हाथ उठा के बताएं। हजरत आज की ये शब और एक बहुत बड़ा शेर, ये हजारों रात पे शेर भारी हाजिर कर रहा हूँ, मुलायजा करें। हसन भाई खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये मिंबरे रसूल की बहुत बड़ा शेर बादल के इस्तेमाल से, देखना चाहता हूँ कितने लोग नारा लगाते अपने हुसैन की मोहब्बत में। मुलायजा करें कि करबला तेरी, करबला तेरी जमीन अब नहीं बंजर होगी, करबला करबला तेरी, करबला तेरी, करबला तेरी जमीन अब नहीं बंजर होगी, तुझ पे एक साथी ही, तुझ पे एक साथी ही बरसे हैं 72 बादल, तुझ पे एक साथी ही। नारे रिसालत, नारे औसत, मसलके आला हजरत, सरकार की अबद, आका की अबद, शायद शायद तरल जैनुल आबदीन कानपुरी। बहुत अच्छा सुना। कनूर फलक से, वाह सुभान अल्लाह, इसमें थोड़ी सी ताकत पैदा कीजिए। खुदा कनूर फलक से, खुदा कनूर फलक से उतरने वाला है, खुदा कनूर फलक से उतरने वाला है, खुदा का नूर फलक से उतरने वाला है, खुदा कनूर फलक से उतर
देने वाला है और जमीन ते रामों का दर संवरने वाला है, जमीन ते रामों का दर संवरने वाला है। खुदा कनो फलक से उतरने वाला है, फरिश्ते आने लगे आमोना की चौखट पे, के फरिश्ते आने मोना की चौखट पे, फरिश्ते आने लगे मोना की चौखट पे, अभी तो नूर यहीं से बिखरने वाला है, अभी तो नूर यहीं से बिखरने वाला है। जश्न-ए-मीलादुन्नबी मसलक-ए-आला हजरत सरजमीन-ए-रूहपुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर सुभान अल्लाह।